जमाल नाम का एक जादूगर अपने बोने असिस्टेंट अप्पू और समान के साथ एक गांव पर आया। उस गांव के बीचों बीच जमाल और अप्पू मिलकर पलंग, एक बेडशीट से ढका हुआ टेबल रखे हुए थे। उस टेबल पर एक बक्से को रखे। जमाल अप्पू से, रे जल्दी जाकर टेबल के नीचे छुप जाओ, लोग आ रहे हैं। अप्पू जल्द ही उस टेबल के नीचे छिप गया। इतने में जादू देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। जमाल एक जादुई छड़ी पकड़कर, भाइयों और बहनों, आप जो देखने वाले हैं वो कोई जादू या आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि इस जादुई छड़ी का अद्भुत कारनामा है। लोग आश्चर्य होकर देखने लगे। क्यों, यकीन नहीं हो रहा है ना? आप देखिए, अभी के अभी इस पलंग को ऊपर हवा में कैसे उठाता हूँ। कहकर उस छड़ी को घुमाते हुए, ओम जंतर मंतर छू मंतर काली, बस वो पलंग फिर हवा में उड़ने लगा। वो देखकर लोग तालियां मारने लगे। भाइयों और बहनों, ये मेरी कोई महानता नहीं है, ये सब इस छड़ी की महिमा है। ये मुझे हिमालय में मिला, लेकिन मैं इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए गांव-गांव घूमकर लोगों के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। फिर उनके दिए हुए पैसों से मैं अपना पेट भरता हूँ। बेटे यहाँ आओ। यूं एक छोटे बच्चे को टेबल के पास बुलाया। अपने हाथ में जो चॉकलेट है ना, वो इस बक्से में डालो। बच्चे ने उसमें चॉकलेट डाल दिया। 5-star चॉकलेट डाला बेटा, बच्चे ने 5-star चॉकलेट डाला, अब देखिए। यूं कहकर मंत्र कहते हुए छड़ी घुमाया। टेबल के नीचे से अप्पू 5 5-star चॉकलेट्स निकालकर उस बक्से में डाल दिया। जमाल उन चॉकलेट्स को उस बच्चे को दे दिया। लोग फिर से तालियां मारने लगे। फिर जमाल एक औरत से, बहन आपके गले में जो सोने का चेन है वो इस बक्से में डालिए। वो औरत आकर अपनी चेन को उसमें डाल दी। जमाल छड़ी घुमाकर, जंतर मंतर छू मंतर काली, यूं पुकारा। फिर उस बक्से से बड़ा सा हार निकला। उस औरत के खुशी के ठिकाने नहीं रहे। ये क्या, ये मेरा हो गया है क्या? हाँ ये आपका ही है, कहा ना कि ये मंत्र छड़ी मेरे काम का नहीं है। जमाल फिर एक आदमी को बुलाकर, श्रीमान 10,000 रुपए निकाल कर इसमें डालिए। उसके पैसे उस बक्से में उड़ाला। अप्पू उन पैसों को निकाल कर 500 रुपए की बड़ी गड्डी ऊपर की तरफ फेंका। जमाल उन पैसों को उसे दिया। वो खुशी से कूदते हुए लेकर चले गया। बस फिर सारे लोग लाइन में खड़े होकर अपने पैसे जेवरात को उस बक्से में डालने लगे। बदले में जमाल उनके लिए बड़े बड़े हार, बड़ी गड्डी के नोट देने लगा। उस शाम ही जमाल और अप्पू उन गांव वालों के पैसे जेवर लेकर उस गांव से फरार हो गए। अगले दिन औरतें जमाल का दिया हुआ सोना नकली है ये जानकर सर पकड़ लिए। आदमी तो उसके दिए हुए पैसे नकली है ये जानकर उनका गुस्से से खून बहने लगा। उस रात अपने घर पर जमाल जेवर और पैसों का हिसाब करने लगा। अप्पू आकर, भैया आपने तो मुझे काम देने का कहा था, लेकिन यूँ धोखाधड़ी करवा रहे हो। पुलिस के हाथ लग गए तो मुझे भी जेल में ले जाएंगे ना भैया? मेरा भी परिवार है, इसलिए हमारे कमाए पैसों में मुझे भी कुछ शेयर दोगे तो कम से कम मेरा परिवार के लिए अच्छा होगा ना, जरा देख लीजिए भैया। जमाल अप्पू को एक दे मारा और, क्यों रे गिड्डे, तुझे शेर चाहिए? 3 बार का खाना ठोस ठोस के खा रहा है, तेरे लिए वही ज्यादा है, चुपचाप जाकर सो जाओ, कल हमें कमालपुर जाना है। अप्पू बेचारा दुखी और गुस्सा होकर चले गया। जमाल अगले दिन कमालपुर में जादू शुरू किया। लोग उसके बक्से में सोना और पैसे डालने लगे। इतने में डॉन बॉस्को नाम का बड़ा राउडी पूरे गहने पहना हुआ वहां आया। लोगों को ढकेला और जमाल से, रे मैं अपने पूरे जेवर इस बक्से में डाल रहा हूँ, तुम मुझसे 10 गुना ज्यादा करो, समझे? उसमें क्या है सर, आप अपने जेवर इसमें डालिए तो सही। डॉन बॉस्को अपना जेवर निकालकर उस बक्से में डाला। जमाल अपनी छड़ी घुमाते हुए, अब देखो जमाल का कमाल, जंतर मंतर छू मंतर काली। टेबल के नीचे अप्पू डॉन बॉस्को का जेवर देखकर, अब इसे सबक सिखाऊंगा, सोचकर उन जेवर को लेकर टेबल के नीचे से फरार हो गया। कहाँ है रे मेरा जेवर, अभी तक नहीं आया? आएंगे सर आएंगे,
ओम छुमंतर काली, जल्दी से जेवर दो काली, जल्दी से जेवर दो। पुकारा, बहुत समय के बाद भी जेवर नहीं आए तो जमाल टेबल के नीचे झांककर देखा। वहाँ अप्पू भी नहीं था, ना ही जेवर थे। डॉन बॉस्को को पूरी बात समझ आ गई। क्यों रे, मुझे ही धोखा दोगे? कहते हुए अपने आदमियों से, रे जब तक ये मेरे जेवर ना लौटाए उसे हमारे डेन में डालकर खूब पीटो। वे लोग जमाल को मारते हुए ले गए। रे अप्पू कैसा काम किया रे, यूं पुकारा। एक गांव में शिवानंद रेणुका नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। रेणुका को खाना बनाना बहुत पसंद था, पूरे मन लगाकर खाना बनाया करती थी। उनके घर पर काम कर रहा मोटू सब्जी राशन वगैरह लाकर दिया करता था। जब शिवानंद खाना खा रहा था तो रेणुका उनका चेहरा देखती रहती थी। शिवानंद के मुंह पर जरा सा भी शिकंद आती तो वो कहती, देखो देखो आप नाक मोड़ रहे हो, यानी मेरा आज का बनाया भिंडी मसाला अच्छा नहीं लगा। मुझे पता है अब आपको मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद आता, यूं कहते हुए रोने लगती। मैंने कब नाक मोड़ा, खुजली हुई तो हल्के से नाक खुजाया। तुम्हारा बनाया भिंडी मसाला बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, तुम बेकार में फिक्र मत करो, खाना तो तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। नीचे बैठकर खा रहा मोटू से, क्यों रे ये सच कह रहे हैं ना, मेरे हाथ का बनाया खाना अच्छा होता है ना? अच्छा पूछ रही हो मैम साहब, मेरे इतने मोटे होने का कारण आपके हाथ का बनाया हुआ खाना ही है। मैं जब आपके घर पर नौकरी पर आया तब मैं चूहे की तरह था, अब देखिए पूरा का पूरा हाथी बन गया हूँ। रेणुका बहुत खुश होती थी। एक दिन शिवानंद के पास मोटू घबराकर भागते हुए आया। क्यों रे क्या हुआ, क्या हुआ है पूछ रहे हो श्रीमान? दो दिन में अपने गांव में कुकिंग प्रतियोगिता होने वाली है, भूल गए क्या? रसोई में मेम साहब जो मुझे टेंशन दे रही है, मुझे लगता है हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मैं जीतूंगी ना, मैं पक्का से जीतूंगी ना, यूं हर मिनट पूछ रही है। कहीं मेम साहब हार गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सोच कर ही डर लग रहा है मालिक। अरे हाँ अच्छा याद दिलाया रे, ये दो दिन मुझे योगा मेडिटेशन करना ही होगा, लेकिन हर साल तो वही जीतती है ना, फिर भी ये टेंशन क्यों समझ नहीं आता। दो दिन बाद कुकिंग कंपटीशन शुरू हुआ। प्रतियोगिता में रेणुका खाना बनाने लगी, मोटू ने उसकी सहायता की। सबके खाने की रुचि देखकर जज विजेता घोषित करने माइक पर खड़ा था। रेणुका टेंशन से मोटू के बाल खींचने लगी। मोटू दर्द से, अब्बा आप ही जीतोगे मैडम, मुझे छोड़िए दर्द हो रहा है। जज माइक पर, इस साल भी विजेता रेणुका जी हैं, यूं घोषणा किए। रेणुका खुशी से तालियां मारने लगी। बाकी के लोग रेणुका को गुस्से से देखने लगे। रेणुका ने प्राइज लिया। इस तरह हर साल रेणुका के जीतने की वजह से गांव की दूसरी महिलाएं रेणुका से नफरत करती थी। अगले साल उस गांव की औरतें सरपंच के पास पैसे लेकर गए। सरपंच जी, हर साल खाना बनाने की प्रतियोगिता में वो रेणुका ही जीत रही है, वो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस बार प्रतियोगिता की रूल्स बदलिए, जो सबसे ज्यादा मूंग दाल का खिचड़ी बनाएंगे वही विजेता होगा। ये बात प्रतियोगिता शुरू होने के पहले ही बताइए, ये बात रेणुका को किसी भी हाल में नहीं पता चलनी चाहिए। सरपंच पैसे देखते हुए खुशी से, हाँ। प्रतियोगिता के करीब आने से रेणुका रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने का प्रैक्टिस करने लगी। प्रतियोगिता के एक दिन पहले ही जब मोटू किसी के घर से आगे से गुजर रहा था, दीवार की दूसरी तरफ दो औरतें प्रतियोगिता के रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। वो सुनकर मोटू दंग रह गया। अभी के अभी इतने बड़े बर्तन लाना तो नामुमकिन है, गांव की दूसरी औरतें टाउन से बड़ी बड़ी बर्तने किराए पर लाई हैं। अब ये बात मेम साहब को बताया तो वो जरूर अस्पताल में भर्ती हो जाएंगी, अब क्या करूं? सोच रहा था तभी उसे अपनी नानी का दिया हुआ तावीज याद आया। नानी ने मुझसे कहा था कि जब भी बहुत ज्यादा कोई जरूरत आ पड़े तो इस तावीज का इस्तेमाल करना, ये चीज तो मेरे लिए विश्व युद्ध से भी ज्यादा इमरजेंसी है, तुरंत घर जाकर तावीज का इस्तेमाल करूंगा, सोचा। मोटू घर पर बक्से से अपना तावीज निकालकर अपने माथे पर लगाकर कोई मंत्र का जाप किया। अगले दिन प्रतियोगिता में दूसरी औरतें बड़े बड़े हांडी के साथ आए हुए थे। रेणुका छोटा सा बर्तन रखी हुई थी।
रेणुका बाकी के हांडियों को देखकर चकित रह गई। बगल वाली औरत निंदा पूर्ण रूप से, क्या इस बार प्रतियोगिता के रूल्स नहीं जानती क्या? जो ज्यादा मूंग दाल खिचड़ी बनाएगा वही विजेता है, सरपंच ने सुबह ही घोषणा किया। रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। आय राम, सब बर्बाद हो गया, अब मेरा जीना ही बेकार है, सोचने लगी। इतने में मोटू एक बड़े से प्रेशर कुकर को एक ट्रक में डालकर लाया। वो देखकर सब हैरान रह गए। रेणुका अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाई। मोटू उस प्रेशर कुकर को चूल्हे पर लगाकर सब अरेंज किया। मोटू सबसे, मेम साहब को ये बात नहीं पता थी, फिर भी उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से मुझसे ये मंगवाया और मैं ये लेकर आ गया। मोटू ने फिर उस प्रेशर कुकर के पास एक सीढ़ी भी रखा। चावल के बोरी और मूंग दाल की बोरी लेकर वो उस पर चढ़ गया। उनको उस प्रेशर कुकर में डाला। बाकी लोग तो खाना बनाना भी बंद कर दिए। कुछ देर बाद उस कुकर से जोर से सीटी आई। सब अपने कान बंद कर दिए। फिर जज ने रेणुका को प्राइज दिया। रेणुका ने मोटू को बुलाकर वो प्राइज उसे देखकर उसका धन्यवाद किया। उस दिन से मोटू को रेणुका अपने सगे छोटे भाई की तरह देखने लगी।